हाँ तो दोस्तों, आप भी कभी ना कभी अपने जब पेट्रोल पंप पर जाते हो, आपने कभी ना कभी एक चीज़ नोटिस जरूर की होगी। वहाँ पर आपने पेट्रोल पंप पर अक्सर देखा होगा कि वहाँ पर मतलब कुछ मतलब एक रेड कलर की कुछ बकेट्स होती हैं, उन बाल्टियों के अंदर मिट्टी भरी होती है और वो रेड कलर के बकेट्स के ऊपर लिखा होता है फायर। मतलब ऐसे 3-4 बाल्टियाँ मतलब एक साथ रखी होती हैं। तो गाइस, आपको शायद पता ना हो कि उन बाल्टियों का मतलब क्या होता है। थंबनेल में भी आपने यही ज़रूर सोचा होगा कि यार इसका मतलब क्या होता है। तो अगर शायद आपको पता भी होगा इसका मतलब क्या है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको इसका मतलब भी बता देता हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है पूरी सेफ्टी के साथ किया गया है, तो आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर करना ही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दोस्तों, होता क्या है, पेट्रोल पंप पर जब भी मतलब जो मतलब मिट्टी आपने देखी होगी कि जिस तरह से रखी जाती है, उसके दो तरह के मतलब उसके दो कारण होते हैं, मतलब इसके दो यूजेस होते हैं, दो पर्पस होते हैं इस चीज़ के लिए। तो वो दोस्तों होता क्या है, कभी कभी हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं, कभी अपने व्हीकल में पेट्रोल डलवाते हैं या फिर डीजल डलवाते हैं, तो क्या होता है थोड़ा बहुत पेट्रोल जो है ना मतलब गिर जाता है, मतलब डिलीवरी करते टाइम मतलब थोड़ा बहुत नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तो उससे क्या है, जो पेट्रोल के वेपर्स होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर हवा में उड़ते हैं और उससे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल फैल जाती है, मतलब पेट्रोल की स्मेल फैल जाती है हवा में। और दूसरा क्या होता है, अगर मान लो बाई चांस गलती से पेट्रोल पंप पर थोड़ी बहुत मतलब आग लग जाती है, ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ी बहुत आग लग जाती है, तो मिट्टी की मदद से जो है उसी मिट्टी की मदद से आग को बुझाया जाता है। और जब वो जब पेट्रोल डूल जाता है थोड़ा बहुत भी, मतलब पेट्रोल अगर गिर जाए ज़मीन पर, उस पेट्रोल के ऊपर जो है मिट्टी रख देते हैं, जिससे कि पेट्रोल ज़्यादा ना उड़े और वो मिट्टी की जो मतलब किसी भी मतलब कहीं भी किसी चीज़ के साथ मिक्स ना हो, मतलब ये दो कारण होते हैं। तो अब मैं इन दोनों कारण को आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करते हैं। तो देखो पेट्रोल क्या है, देखो मैं आपको पेट्रोल गिरा कर दिखाता हूँ। दोस्तों देखो, मैं यहाँ पर आपको पेट्रोल गिरा कर दिखाऊंगा। यहाँ पर पेट्रोल गिर चुका है कुछ इस तरह से, जो है पेट्रोल पंप पर भी पेट्रोल डूब जाता है। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर पेट्रोल गिर गया। तो अब क्या होगा, देखो अब मैं यहाँ पर मिट्टी डाल दूंगा। अब देख सकते हो जहाँ पर मैंने पेट्रोल गिराया था उस पूरी जगह पर मैंने मिट्टी डाल दी हुई है। वो क्या करेगा, जो पेट्रोल था वो अब हवा में नहीं उड़ेगा, इस वजह से उसकी स्मेल हवा में नहीं फैलेगी। और दूसरा क्या है, आग बुझाने के भी काम आता है पेट्रोल। मैं बताता हूँ किस तरह से। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, पेट्रोल पंप पर आग लग जाती है, तो मतलब थोड़ी बहुत आग लग के, ज़्यादा आग नहीं मैं कह रहा, तो क्या होता है उस आग को बुझाने के लिए मतलब आग जो है वो ज़्यादा फैल सकती है, लेकिन फिर भी मतलब उस आग को बुझाने के लिए मिट्टी का यूज़ किया जाता है। या फिर किसी भी जगह पर आपने शायद नोटिस जरूर किया होगा, इस तरह से मतलब रेड कलर की बकेट्स के अंदर मिट्टी भरी होती है और बकेट के ऊपर लिखा होता है फायर। इसका मतलब यही होता है कि वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, जो मिट्टी होती है, मिट्टी भी एक तरह से फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ अखबार रखे हुए हैं, अब मैं यहाँ पर आग लगाने वाला हूँ। ज़्यादा आग नहीं लगाऊंगा, मैं थोड़ी बहुत आग लगाऊंगा और उस आग को मैं मिट्टी की मदद से बुझा कर दिखाऊंगा। देखो कुछ इस तरह से, मैं पहले यहाँ पर थोड़ा सा पेट्रोल डाल देता हूँ ताकि आग ज़्यादा जल्दी से लग जाए। तो मैंने यहाँ पर पेट्रोल डाल दिया हुआ है, अब मैं यहाँ पर आग लगाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर मतलब एक मिट्टी मतलब एक बाल्टी में मेरे पास जो एक मिट्टी थोड़ी सी पड़ी हुई है, तो मैं क्या करूँ यहाँ पर आग लगाऊंगा, फिर उस आग को मिट्टी की मदद से बुझाकर आपको दिखाऊंगा। लाइव आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि किस तरह से हम मिट्टी की मदद से आग को बुझा सकते हैं। हाँ तो दोस्तों लग गई यहाँ पर थोड़ी सी आग, अब मैं इस आग को जो मिट्टी की मदद से बुझाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख लिया अब आपने कि किस तरह से जो है हमने मिट्टी की मदद से मतलब मैंने आपको मिट्टी की मदद से किस तरह से जो है आग को बुझा कर दिखा दिया। और वो आग जो लगी थी वो बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से लगी थी और मैंने उस आग को मिट्टी की मदद से बुझा दिया। देखा आपने किस तरह से मैंने मिट्टी की मदद से आग को बुझा दिया। तो शायद अब आपको अपने जो आपने थंबनेल में देखा उसका क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा कि
पेट्रोल पंप पर इस तरह से बाल्टियों में मिट्टी क्यों होती है, उसका कारण है, उसका आंसर है ये कि आग को बुझाने का यानी फायर एक्सटिंग्विशर का काम मिट्टी कर देती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा, और अच्छा भी लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैम तो